श्लोक और दूसरा है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। ये दो श्लोकों के बीच में गीता जी समाहित है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन समर्पण करता है और जब तक समर्पण नहीं करता भगवान जी कुछ कुछ नहीं बोलते, भगवान जी चुप रहते। जब इस श्लोक में कहा आई एम कंफ्यूज, मैं डिस्टर्ब हूं, मैं आपकी शरणागति में आऊं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्य, श्रेयस्य मीन्स कल्याण कर। दो शब्द आते हैं श्रेय और प्रेय। श्रेय मीन्स वो कर्म बताइए जिसमें सबका भला हो, प्रेय मतलब वो कर्म बताइए जिसमें मैनू की फायदा, मुझे क्या फायदा। यदि भगवान से अर्जुन ने यह बोल दिया होता प्रेय शब्द प्रयोग कर दिया होता अर्थात मुझे क्या फायदा, तो भगवान जी शायद साइड ट्रैक करके निकल जाते, क्योंकि ये वो अधिकारी नहीं है, सेल्फिश है, सेल्फिश है, अपना फायदा देख रहा है। अर्जुन कहता है मुझे वो कर्म बताइए जिसमें सबका भला, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे संतु निरामय, सबका कल्याण हो, श्रेय हो। समर्पण किया एक डॉक्टर के सामने, जैसे हम डॉक्टर को समर्पण कर देते हैं, हम पायलट को समर्पण कर देते हैं, हम प्लंबर को समर्पण कर देते हैं, हम ज्ञानी को समर्पण कर देते हैं, फिर उसकी राह में चलते हैं। तो अर्जुन को पता चल गया कि ये कोई कृष्ण कोई नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई अभी भगवान नहीं समझ आए उसे, अभी ये समझ आएगा कोई बहुत ही हाईली इवॉल्व इंडिविजुअल है। तो आपकी शरण में आया हूं, अंधविश्वास और समर्पण में फर्क है। अंधविश्वास में प्रश्न नहीं होता, समर्पण में प्रश्न होता है। अंधविश्वास मानसिक है, समर्पण बौद्धिक है। अंधविश्वास गुलाम बनाता है, समर्पण स्वतंत्रता देता है। अंधविश्वास गुलाम बनाता है, समर्पण स्वतंत्रता देता है। अंधविश्वास मानसिक है, समर्पण बौद्धिक है। अंधविश्वास में प्रश्न नहीं कर सकते, स्वतंत्रता है प्रश्न करने के समर्पण में। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, सब में क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है। क्यों? क्योंकि समर्पण में स्वतंत्रता है प्रश्न करने की। अर्जुन समर्पण करता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 62 दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। और पूरी गीता जी देने के बाद, पूरी गीता जी देने के बाद 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, यू डू व्हाट एवर यू थिंक इज राइट, नो प्रीफिक्स नो सफिक्स, नो डूज एंड डोंट्स। मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, तुझे दे दिया, नाउ यू हैव अ चॉइस टू फॉलो योर ओन डिक्टेट, यू हैव टू फॉलो योर ओन डिस्क्रिशन। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, आपको स्वतंत्रता, जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया जा सकता। पूरा ज्ञान देने के बाद भगवान जी कहते हैं यथा इच्छा से तथा करो। बहुत इंपॉर्टेंट दो श्लोक हैं, क्योंकि जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया जाता, जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। ज्ञान तभी दिया जाता है जब दूसरा आदमी समर्पण करे, और समर्पण करने के बाद वो आपका गुलाम नहीं है। किसी ने आपको समर्पण कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका गुलाम हो गया, आप उसको स्वतंत्रता देते हो, कहते तुम कर जो अपने आप करना है। ये बैटल रेस है, बैटन रेस में आप अपने बैटन को दूसरे को दे देते, जा जा जी ले सिमरन, अपनी जिंदगी जी ले।